नमस्कार दोस्तों, मैं साहब सिन्हा स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे ऑटोमेटिक सिक्योरिटी सिस्टम, एक आपके लिए प्रोजेक्ट का काम करेगा। आप लोग प्रोजेक्ट सर्च करते हो तो ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है आपके लिए। इस प्रोजेक्ट के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए ये प्रोजेक्ट है क्या कि एक अंधेरे कमरे में मान लीजिए कि आपका कोई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या इंपॉर्टेंट कोई आपकी ऐसी चीज है जो आप चोरी होने से बचाना चाहते हैं, वो एक अलमीरा में रखी हुई है अंधेरे में, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट क्या करेगा कि जब भी कोई चोर उसे चुराने आएगा और अगर उसने उस पर रोशनी डाल दी, टॉर्च जलाई, जैसे ही उस पर रोशनी डलेगी पूरे कमरे की लाइट्स ऑन हो जाएंगी, सारे सिक्योरिटी सिस्टम ऑन हो जाएंगे। सिक्योरिटी सिस्टम इन द सेंस कि वहां पे हम एक वजर लगा के रखेंगे या हूटर लगा के रखेंगे, जो हूटर आवाज करने लगेगा और पूरे जो है रूम की एक्चुअल में लाइट्स जो है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगे। उसके बाद वो अगर स्विच को अपने ऑफ भी कर लेता है जिसने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली है उस प्रोजेक्ट पे, यानी कि जहां पे आपका कोई कीमती सामान रखा हुआ है उस पर एक बार टॉर्च डाली, उसके बाद वो टॉर्च को ऑफ भी कर ले तब भी वो हूटर कंटिन्यूअसली बजता रहेगा जब तक कि वहां पे कोई ऐसा व्यक्ति ना आ जाए जिस जो कि उस सिस्टम के बारे में जानकारी रखता है। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करते हैं, हमें जरूरत क्या क्या पड़ेगी। देखिए एक तो पावर सप्लाई चाहिए पड़ेगी। पावर सप्लाई हमें अभी इस हिसाब से जो हम ले रहे हैं रिले 5 वोल्ट की, तो उसके लिए हमें 6 वोल्ट की पावर सप्लाई चाहिए। अब 6 वोल्ट की पावर सप्लाई इन द सेंस कि आपको ऐसा नहीं करना है कि आप 9 वोल्ट की बैटरी खरीद के लाए वो छोटी वाली और 7806 लगा दिया आपने और आपने बोल दिया कि हो गया काम, वो बैटरी तो थोड़े टाइम के बाद खराब हो जाएगी, आपकी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो वो ना करके आप क्या करो, पावर सप्लाई कैसे बनाते हैं, मेन सप्लाई से पावर सप्लाई 6 वोल्ट की पावर सप्लाई कैसे कन्वर्ट करते हैं मेन सप्लाई से, मतलब 240 वोल्ट एसी से 6 वोल्ट डीसी डायरेक्ट कन्वर्ट कैसे होता है, उसके लिए एक पावर सप्लाई का वीडियो बनाया था हमने डीसी पावर सप्लाई जनरेट करने का, वो वीडियो देख लीजिएगा, उसकी लिंक हमने दी हुई है। तो इस प्रोजेक्ट में उस पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी जो कि हम इस प्रोजेक्ट में लगाएंगे, मतलब इस प्रोजेक्ट का जो इनपुट रहेगा वो उस पावर सप्लाई का आउटपुट रहेगा, 6 वोल्ट पावर सप्लाई। दूसरी चीज हम बात करें रिले, रिले का कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक रिले का हमने वीडियो बनाया था जिसमें 5 टर्मिनल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। हमने वहां पे बताया था कि इस टाइप से कुछ टर्मिनल होते हैं जिनमें से ये 2 टर्मिनल पे तो हमें डीसी इनपुट देना पड़ता है और ये टर्मिनल नॉर्मली कनेक्टेड रहते हैं और जब इनमें सप्लाई देते हैं तो ये और ये टर्मिनल कनेक्टेड हो जाते हैं, ये ऑफ होता है, मतलब नॉर्मली ऑन यहां रहता है जब कोई सप्लाई ना दी जाए और ये ऑफ रहता है, ये दोनों ऑन रहते हैं और जैसे ही हम सप्लाई देते हैं डीसी तो ये ऑफ हो जाता है और ये ऑन हो जाता है। रिले एक्चुअल रिले अगर आप देखोगे तो कुछ इस टाइप से होता है, लेकिन आप जब नॉर्मली डायग्राम देखते हो रिले का तो कुछ ऐसा बना रहता है। तो जो बना रहता है और जो एक्चुअल में होता है उसमें बहुत डिफरेंस है। तो आप लोग रिले का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, रिले का वीडियो किस टाइप का होता है। कुछ आपको इस टाइप का स्विचिंग मिलेगी, आप लोगों को देखने में कुछ ऐसा दिखाई देता है कि अगर यहां पे क्या होता है कि अगर मैग्नेटाइज हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, अदरवाइज नीचे कनेक्टेड रहता है। तो हमें देखने में ऐसा लगता है कि ये तीनों स्विच में आपस में कनेक्शन होता है, जबकि एक्चुअल रिले जब आप चेक करोगे, एक्चुअल रिले का वीडियो देखिएगा जो हमने वीडियो बनाया है उसमें आप देखोगे, उसमें हमने रिले दिखाया है आपको एक्चुअल में, कनेक्शन करके बताए हैं कि जो 3 टर्मिनल रहते हैं उनमें से 2 पे डीसी देना होता है और आपको चेक करना भी बताया है कि कैसे हम पता करेंगे कौन से वाले में कंटिन्यूटी है कौन से में नहीं है। इस और इसकी कंटिन्यूटी नॉर्मली रहती है जब हम कोई सप्लाई नहीं देते हैं, जब सप्लाई देते हैं तो ये कंटिन्यूटी ऑफ हो जाती है, ये वाली कंटिन्यूटी कनेक्शन में आ जाती है। तो रिले का कॉन्सेप्ट उस वीडियो में देख लीजिएगा, उसकी लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो यहां से हो जाएगा रिले। हम बात कर रहे हैं 5 वोल्ट और 5 एम्पीयर की। अगर आपको मार्केट में 5 वोल्ट का रिले ना मिले तो आप 6 वोल्ट का रिले ले लीजिए, लेकिन जब 6 वोल्ट का रिले लेंगे तो पावर सप्लाई थोड़ी सी बढ़ा देंगे क्योंकि उसे ऑन करना है, दैट मींस उससे थोड़ा सा तो सप्लाई ज्यादा रहनी चाहिए, तो सप्लाई को हम वेरी कर सकते हैं। इसीलिए हमने वेरिएबल पावर सप्लाई डीसी में ही वेरिएबल पावर सप्लाई बनाना भी बताया था, तो वेरिएबल पावर सप्लाई का वीडियो वही का वही है जो डीसी पावर सप्लाई का है, तो उसे देख लीजिएगा। इसके बाद जरूरत पड़ेगी एक एलडीआर की, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस कुछ इस टाइप से आपको एक रजिस्टर मिलेगा जिसपे जब हम लाइट डालते हैं आप मल्टीमीटर से उसका रेजिस्टेंस चेक कीजिएगा, जब उस पर अंधेरा रहेगा तो उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम रहेगा और जब उस पर हम लाइट इंसिडेंट कराते हैं रोशनी डालते हैं तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इसका रेजिस्टेंस क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो ये हमें एक एलडीआर की जरूरत पड़ेगी। ये कोई वैसा मैजिकल इंस्ट्रूमेंट, ऐसा मैजिकल कोई कंपोनेंट नहीं है, बहुत सिंपल सा कंपोनेंट है कि एक सिंपल रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर ये अंधेरे में रहेगा तो इसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम रहेगा, जो भी मैक्सिमम हो आप मल्टीमीटर से चेक कर सकते हो।
जैसे ही इस पे रोशनी डालेंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम होता जाता है, जितनी ज्यादा रोशनी डालेंगे उतना ही रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसके बाद हमें एक जरूरत पड़ेगी वेरिएबल रेजिस्टर का। वेरिएबल रेजिस्टर में एक ट्यूनर लगा रहता है, उसे रोटेट करते जाइए, जब ट्यूनर पूरा का पूरा एक साइड में रहेगा तो हो सकता है मिनिमम रेजिस्टेंस हो उन टर्मिनल्स के बीच में, जब दूसरी साइड में चला जाएगा तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस, मींस वेरिएबल रेजिस्टर है। तो वेरिएबल रेजिस्टर एक हमें चाहिए पड़ेगा, और ये भी आप चाहो तो 10K का ले लेना। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास एक इम्पोर्टेंट आईसी, वो है 555 टाइमर। हालांकि 555 टाइमर के 3-4 वीडियो ऑलरेडी डले हुए हैं गेट क्रैकर्स चैनल पे, क्योंकि वहां पे हमने 555 टाइमर एज अ मल्टी वाइब्रेटर पढ़ाया हुआ है, तो उनकी लिंक तो हम दे ही देंगे यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा हम 555 टाइमर यहाँ और समझ लेते हैं, फिर हम अपने प्रोजेक्ट का सर्किट बनाएंगे कि कैसे हम इस प्रोजेक्ट को कैसे हम डिजाइन करेंगे। तो पहले 555 टाइमर के बारे में हम समझ लेते हैं। देखिए 555 टाइमर के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में अगर समझना हो तो वो वीडियोस पे जाइएगा, आप उनकी लिंक हम नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन पे, लेकिन यहाँ पे भी हम इतना समझा देंगे कि आपको अलग से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ये सर्किट है 555 टाइमर का। इस सर्किट में आपको ये दो कंपेरेटर दिख रहे हैं, पहला कंपेरेटर, एक ये कंपेरेटर, दूसरा, दो कंपेरेटर दिख रहे हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इसके निगेटिव टर्मिनल पे पिन जो है 2 नंबर की पिन है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल पे जो है पिन 5-6 नंबर की पिन है। ये 5वें नंबर की जो पिन है, ये पिन का हमें यूज नहीं करते हैं नॉर्मली, ये कंट्रोल पिन कहलाती है, इसका नॉर्मली यूज नहीं किया जाता है, इसको ओपन रखते हैं, इसको हमने एक्सप्लेन किया हुआ है हमारे वीडियोस में, लेकिन इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ने वाली। ये जो पिन है वो थ्रेशोल्ड पिन कहलाती है, अभी हम यूज देखेंगे इसका क्या यूज है। ये पिन जो है वो ट्रिगर पिन कहलाती है, 2 नंबर पिन जो है वो ट्रिगर पिन कहलाती है। बाकी जो हमारी पिन है ये 7 नंबर कहलाएगी चार्जिंग डिस्चार्जिंग पिन, 1 नंबर की आपकी ग्राउंड हो जाएगी, 8 नंबर जो है आपका मेन सप्लाई हो जाएगा पॉजिटिव सप्लाई, 3 नंबर जो है वो हमारा आउटपुट है, 4 नंबर जो है वो रीसेट पिन कहलाती है। अब इन पिन में जो जो हमारी इंपॉर्टेंट पिन है उनका काम समझिएगा कैसे। सबसे पहले तो जो मेन सप्लाई यहां पे देते हैं, यहां ग्राउंड कनेक्ट करते हैं, तो ये 5K में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। तीनों 5K रेजिस्टेंस है, इसीलिए इस आईसी को 555 टाइमर बोला जाता है। तीनों 5K है। देखिए कंपेरेटर में हमने आइडियल ओपन में बताया था आपको कि ना तो इनपुट में करंट जा सकती है ना आ सकती है, मींस करंट सीधी ऊपर से नीचे तक आएगी, तो तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में कहलाएंगे, तो तीनों के अक्रॉस सेम वोल्टेज आएगा। तो अगर हम ऊपर सप्लाई दे दें VCC, तो यहाँ पे देखिए इसके अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा VCC/3, दैट मींस इस पॉइंट पर हमें जो वोल्टेज मिलेगा वो मिलेगा VCC/3, इसके अक्रॉस ही VCC/3 हो जाएगा, तो VCC/3 प्लस VCC/3 टोटल कितना हो जाएगा 2VCC/3, तो यहाँ पे वोल्टेज मिलेगा 2VCC/3। अब देखिए कंपेरेटर का मैजिक। कंपेरेटर में हमने आपको बताया था कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज ज्यादा होगा तो आउटपुट आएगा हाई, नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज ज्यादा होगा तो आउटपुट आएगा लो। बस ये लॉजिक याद रखना, जिस टर्मिनल का वोल्टेज ज्यादा होगा वैसा ही आउटपुट आएगा। अगर नेगेटिव टर्मिनल का, नेगेटिव इनपुट टर्मिनल का वोल्टेज ज्यादा होगा तो आउटपुट वोल्टेज लो आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज ज्यादा होगा तो हाई आएगा। यहां पे देखिए पॉजिटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ है VCC/3 से, नेगेटिव टर्मिनल पे अगर हम वोल्टेज VCC/3 से कम दे दें, यहां पे वोल्टेज अगर कम दे दें, तो देखिए पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज कम हो जाएगा, तो उस केस में आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ट्रिगरिंग इसे क्यों बोलते हैं, इसमें नॉर्मली 2 नंबर की पिन पे नॉर्मली हम हाई वोल्टेज रखते हैं, लेकिन जब हम ट्रिगरिंग की बात करें कि स्विच को प्रेस करते हैं तो ऐसा सर्किटरी यहां पे जमा लेते हैं, अभी हम बताएंगे कैसे ट्रिगरिंग दी जाती है। आप ये समझ लो कि यहां ट्रिगरिंग का मतलब है लो ट्रिगरिंग दी जाती है 2 नंबर पे, मतलब जैसे ही हम स्विच प्रेस करेंगे तो यहां लो वोल्टेज मिलेगा। तो जब नेगेटिव टर्मिनल पे लो वोल्टेज मिलेगा, किससे कम, VCC/3 से कम मिलेगा, तो पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा, तो ये जो फ्लिप फ्लॉप का एस है, एस को वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। यहां पे ये चीज ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है 5 नंबर की पिन को तो ओपन छोड़ना है, 6 नंबर की पिन देखिए, 6 नंबर की पिन जो है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि अगर जब एस पे 1 आएगा तो आर पे 1 नहीं आना चाहिए, क्योंकि एस और आर दोनों अगर 1-1 हो गए तो प्रोहिबिटेड कंडीशन हो जाएगी। तो या तो इस पे 1 होगा या इस पे 1 होगा या दोनों पे 0 होंगे, मतलब सेट कंडीशन हो सकती है, रीसेट कंडीशन हो सकती है या होल्ड कंडीशन हो सकती है, लेकिन कभी भी प्रोहिबिटेड कंडीशन हमें लाने ही नहीं देना है। तो देखिए अगर हम इस पे हाई वोल्टेज दे दें, किस पे, 6 नंबर पिन पे, 6 नंबर पिन पे अगर हाई वोल्टेज दे देंगे तो यहां 1 आ जाएगा, दैट मींस दोनों 1-1 हो जाएंगे, तो प्रोहिबिटेड कंडीशन हो जाएगी। यहां 1 कब आया था, जब लो वोल्टेज दिया था, यहां लो वोल्टेज देने पे 1 आया था आउटपुट में, यहां हाई वोल्टेज देने पे 1 आ जाएगा, तो ये कंडीशन प्रोहिबिटेड है, ये कभी नहीं करना। मतलब जब भी 555 टाइमर का यूज करो आप,
तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साथ दो नंबर पिन पे आप लो वोल्टेज दे रहे हैं और छह नंबर पिन पे आप हाई वोल्टेज दे रहे हैं। अगर ऐसा दोगे तो आपका ये 555 टाइमर काम नहीं करेगा प्रॉपरली, क्योंकि वो प्रोहिबिटेड कंडीशन है, वो एक्चुअल में वर्क नहीं करेगी, ना ही होल्ड कंडीशन रहेगी, ना सेट ना रीसेट। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है। दैट मीन्स अब आपको छह नंबर पिन पे जब यहां पे लो दे रहे हो तो छह नंबर पिन पे भी क्या कर दो, लो दे दो। उससे होगा क्या, अगर 2VCC/3 से कम वोल्टेज यहाँ पे रहा छह नंबर पिन पे, तो देखो नेगेटिव टर्मिनल पे है 2VCC/3 और पॉजिटिव टर्मिनल पे वोल्टेज कम है, तो यहाँ 2VCC/3 यहाँ पे वोल्टेज कम है तो नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, दैट मीन्स आउटपुट आ जाएगा जीरो। तो जब भी हम ट्रिगरिंग यहाँ लो देंगे तो यहाँ वन मिलेगा लेकिन यहाँ क्या रहेगा, जीरो। अब यहाँ लो ही रहने दो, यहाँ पे जैसे ही हाई देंगे तो देखिए इस पे नेगेटिव पे हाई, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो जीरो जीरो होल्ड कंडीशन, दैट मींस जब हम यूज करेंगे इसमें ट्रिगरिंग देना तो इसमें चाहे लो दो चाहे हाई दो, लेकिन इसमें कंटिन्यूअसली हमें छह नंबर पिन पे क्या रखना है, लो रखना है, ये ध्यान रखना। अभी जब हम चेक करेंगे, जब हम सर्किट बनाएंगे, तो जब हम यहां ट्रिगरिंग की बात करेंगे दो नंबर पे ट्रिगरिंग देना, दैट मींस लो वोल्टेज अप्लाई करना। ट्रिगरिंग का मतलब है कि हम स्विच प्रेस करें तो ऐसा कुछ हो जाए कि दो नंबर पिन पे लो वोल्टेज मिल जाए, जब स्विच छोड़ें तो दो नंबर पिन पे हाई वोल्टेज, जब स्विच छोड़ेंगे तो हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज मींस यहां जीरो, और यहां तो ऑलरेडी जीरो है ही क्योंकि यहां लो दिया है, तो यहां जीरो। तो जीरो जीरो होल्ड कंडीशन, आउटपुट वही रहेगा जो पहले था, लेकिन जैसे ही हम ट्रिगरिंग देंगे, ट्रिगरिंग मींस यहां पे जब लो वोल्टेज देंगे तो यहां लो तो यहां हाई, यहां हाई अगर पॉजिटिव पे तो यहां क्या मिलेगा, वन मिलेगा, वन मिलेगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे अभी आगे हमारे सर्किट में। साथ ही साथ यहां पे देखिए रीसेट पिन कैसे काम करती है। तो देखिए अब ये सारी पिन हमें समझ में आ गई, चार्जिंग डिस्चार्जिंग पिन का हमारे इस प्रोजेक्ट में कोई काम नहीं है इसलिए इसको ओपन रखना है, लेकिन अगर इसका काम देखना है तो हम जो वीडियोस की लिंक देंगे उसमें देख लीजिएगा, उसमें मल्टीवाइब्रेटर्स में हमने समझाया है इसका क्या काम है, तो इसे ओपन रखना है। तीन नंबर पिन पे आउटपुट आ गया है, चार नंबर पिन रीसेट पिन कैसे काम करती है। नॉर्मली आप लोग क्या करते हो, चार नंबर पिन को हाई सप्लाई से कनेक्ट कर देते हो, जब चार नंबर पिन हाई सप्लाई से कनेक्ट रहेगी तो देखिए बेस पे हाई, तो यहां ये क्या है आपका पी और ये है एन, पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो पी पे जो वोल्टेज है उससे भी ज्यादा वोल्टेज किस पे हो जाएगा, ये इंटरनली कुछ ऐसे कनेक्शन रहते हैं कि यहाँ पे जो सप्लाई आती है वो मेन सप्लाई से हमेशा कम रहेगी, तो जब चार नंबर को हम मेन सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे तो यहाँ एन पे ज्यादा वोल्टेज हो जाएगा, पी पे कम हो जाएगा, तो करंट फ्लो नहीं करेगी। लेकिन जब भी हम चार नंबर पिन को ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे तो तुरंत देखिए इस एन पे लो वोल्टेज, पी पे हाई वोल्टेज, तो यहाँ करंट फ्लो करने लगेगी, मतलब ये ऑन हो जाएगा। जैसे ही ये ऑन होगा बीजेटी, तो बीजेटी ऑन कंडीशन में नॉर्मली लो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, तो इसका रेजिस्टेंस अगर निग्लिजिबल माने तो जो भी ये सप्लाई है वो पूरी की पूरी सप्लाई प्लस पॉजिटिव सप्लाई किस पे आ जाएगी, क्यू बार पे, और क्यू बार पे पॉजिटिव सप्लाई मतलब क्यू बार हो गया बंद, तो ऑटोमेटिकली क्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस तरीके से रीसेट पिन काम करती है। मतलब ध्यान रखिए नॉर्मली आप चार नंबर पिन को मेन सप्लाई से कनेक्ट करते हो, दैट मीन्स आप रीसेट पिन का यूज ही नहीं कर रहे। अगर चार नंबर पिन का यूज सही से करना है तो उसमें आपको लगाना चाहिए स्विच। स्विच कैसा लगाना चाहिए कि एक रेजिस्टेंस के थ्रू यहां कनेक्ट कर दो, यहां पे एक स्विच लगा दो, यहां ग्राउंड। जैसे ही आप स्विच प्रेस करोगे तो डायरेक्टली ये किससे कनेक्ट हो जाएगा, ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा, तो यहां वन मिल जाएगा, तो यहां क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। तो रीसेट पिन का अगर सही यूज करना है ना आपको, तो आप डायरेक्ट सप्लाई से ना आप कनेक्ट करके रेजिस्टेंस के थ्रू आप क्या करो, चार नंबर पिन को कनेक्ट करो और चार नंबर पिन को ही एक स्विच के थ्रू ग्राउंड से कनेक्ट कर दो, तो जैसे ही स्विच प्रेस करेंगे तो डायरेक्टली उसे लो वोल्टेज मिल जाएगा, तो ये बीजेटी ऑन हो जाएगा, तो ये हाई सप्लाई क्यू बार को मिलेगी, तो क्यू क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो ये तो काम हुआ हमारा 555 टाइमर का। अब हम देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट कैसे काम करेगा, देखिएगा। तो देखिए ये 555 टाइमर की आईसी है डुअल इन लाइन पैकेज में, मतलब दो लाइन है, दो लाइन में आपकी आईसी है, दोनों लाइन पैरेलल में है, डुअल इन लाइन, तो डुअल इन लाइन पैकेज में ये आपको आईसी दिखेगी। आईसी में नंबर्स पिन नंबर कभी लिखे नहीं रहते हैं, आपको पहचानना पड़ता है, जहां पे ये आपको ऐसा हाफ सर्किल दिखे उसको ऊपर की तरफ कर लीजिए, फिर आप लेफ्ट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आइए तो आपको पहले नंबर की 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन मिलेगी। कुछ आईसी में ऐसा होता है ये नहीं बना रहता है, एक डॉट रहता है, तो जहां डॉट बना हो वो आपकी एक नंबर की पिन हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारी 555 टाइमर की आईसी है। अब देखिए इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें करना क्या है, हमने अभी बताया था छह नंबर पिन को हमें क्या रखना है, छह नंबर पिन को हमें लो पे देना है जिससे कि ये हमेशा जीरो बना रहे, आरएस फ्लिप फ्लॉप में आर हमेशा क्या बना रहे, जीरो पे बना रहे। तो देखिए
छह नंबर पिन को हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे डायरेक्टली। ग्राउंड से कनेक्ट इन द सेंस कि हम यहां से सप्लाई आ रही होगी, और वो सप्लाई कौन सी होगी जो हमने बोला है कि एक वीडियो में हमने सप्लाई डीसी सप्लाई डिजाइन करना बताया था, वो सप्लाई का सर्किट आप बनाएंगे और उसका आउटपुट जो है वो यहाँ पे ले आएंगे। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो ये ग्राउंड वाला टर्मिनल है आप ये मान लीजिए। तो छह नंबर पिन को डायरेक्टली इस ग्राउंड वाले टर्मिनल से कनेक्ट कर देना है, पहली चीज हमें ये चीज ध्यान रखना है। दूसरी चीज हमें जो ध्यान रखना है वो ये है कि तीन नंबर पिन पे हमें क्या देना है, आउटपुट देना है। तो ये तीन नंबर पिन को हमने अलग कर लिया। इसके बाद और चीज ध्यान ये रखना है कि आठ नंबर पिन पे हमें मेन सप्लाई देना है। तो देखिए आठ नंबर पिन पे हमने मेन सप्लाई दे दी। अब दो नंबर पिन पे हमें क्या करना है, ट्रिगरिंग करना है। एक नंबर पिन को भी ग्राउंड करना है, तो एक नंबर पिन को हम क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। ये एक नंबर पिन भी हमारी ग्राउंड हो गई। अब बात करते हैं दो नंबर पिन पे हमें ट्रिगरिंग देना है। तो देखिए ट्रिगरिंग कैसे देते हैं, अब ट्रिगरिंग समझना है अगर तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि लाइट पड़ने पे ट्रिगरिंग मिले। और ट्रिगरिंग क्या है, लो वोल्टेज, मतलब लाइट जैसे ही लाइट की इंटेंसिटी पड़े, कोई टॉर्च का उजाला डाले वहां पे, तो क्या हो जाना चाहिए, वोल्टेज लो हो जाना चाहिए दो नंबर पिन पे। तो उसके लिए देखिएगा क्या करना है, एक रेजिस्टेंस आप लाइए, लेट आपने 10K का रजिस्टर लिया है, या आप चाहो यहां पे भी वेरिएबल रजिस्टर लगा देना, जो वेरिएबल रजिस्टर हमने बोला है। वेरिएबल रजिस्टर हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें यह चेक करना पड़ेगा कि दो नंबर पिन का जो वोल्टेज है वो नॉर्मली VCC/3 से क्या होना चाहिए, नॉर्मली तो आपका ज्यादा होना चाहिए। दो नंबर पिन पे जो वोल्टेज है वो नॉर्मली VCC/3 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, जिससे कि यहां पे नॉर्मली जीरो आए, और जब हम लाइट उस पे इंसिडेंट करें तो वो वोल्टेज VCC/3 से कम हो जाना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखिए अगर आप 6 वोल्ट की सप्लाई ले रहे हैं तो ये अगर 6 वोल्ट रहेगा VCC, तो VCC/3 का मतलब हो जाएगा 6/3 यानी कि 2 वोल्ट। तो आपके पास अब वोल्टेज आ गया है कि 2 वोल्ट, तो आपको क्या करना है, इतना ध्यान रखना है कि अगर ओवरऑल वोल्टेज हमारा 6 वोल्ट है, LDR लेके आइए, आप LDR लगा दीजिए यहां पे, ये आपका क्या हो गया है LDR। मल्टीमीटर से आप मेजर कर लीजिए, इसको अंधेरे में रख के देखिए, अंधेरे में इस टर्मिनल का वोल्टेज वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू निकलेगा। देखिए दो रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हुए हैं, तो वोल्टेज डिवाइडर से यहां का कुछ ना कुछ वोल्टेज आएगा, जो भी वोल्टेज आए आप मल्टीमीटर से चेक कीजिए, और यहां वेरिएबल रेजिस्टेंस को वेरी कीजिए। कब तक वेरी कीजिए, तब तक वेरी कीजिए जब तक कि अंधेरे में इस टर्मिनल का वोल्टेज 2 वोल्ट से ज्यादा ना हो जाए। 2 वोल्ट से ज्यादा, लेट आप मान लीजिए कि आपने कुछ ऐसा सेट कर दिया कि 3 वोल्ट या 4 वोल्ट हो गया। ध्यान रखना है इस टर्मिनल का वोल्टेज, मतलब LDR के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 2 वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए। 2 वोल्टेज मतलब VCC/3, आप जो भी सप्लाई दोगे उसके अकॉर्डिंग जो भी VCC/3 आ रहा है उससे ज्यादा होना चाहिए इस टर्मिनल का वोल्टेज, क्योंकि ये टर्मिनल डायरेक्टली हम टू नंबर पिन पे कनेक्ट करने वाले हैं। तो उससे क्या होगा, अगर यहां 2 वोल्ट है यहां 3 वोल्ट हो जाता है तो आउटपुट क्या बना रहेगा, 0 बना रहेगा। कब, अंधेरे में। जैसे ही हम इस पे टॉर्च डालेंगे तो आप फिर से LDR पे कोई रोशनी डाल के देखिएगा, और उजाला जैसे ही करते हैं तो LDR का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो ये सीरीज में लगे हुए हैं रेजिस्टर, पोटेंशियोमीटर को आपको टच नहीं करना है, एक बार फिक्स कर दिया आपने, अंधेरे में चेक कर लिया 3 वोल्ट। जैसे ही आप रोशनी डालोगे तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो सडनली क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। जब सडनली बहुत कम हो जाएगा तो ये वोल्टेज सडनली बहुत कम हो जाएगा, हो सकता है ये 0.5 या 0.4 वोल्ट हो जाए। तो जैसे ही ये वोल्टेज कम हो जाएगा, मतलब ये 2 नंबर पिन से अगर कनेक्ट है और 2 नंबर पिन पे वोल्टेज 0.5-0.4 हो गया, दैट मींस नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज कम हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल का वोल्टेज ज्यादा हो गया, तो कंफर्म है कि यहां पे क्या मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। और जैसे ही एस पे 1 मिला, आर पे तो ऑलरेडी 0 है क्योंकि 6 नंबर पिन को तो हमने ग्राउंड करके रखा है, तो एस पे 1 आर पे 0, तो क्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी, मतलब 555 टाइमर का जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आपको ये वेरिएबल रजिस्टर और LDR लगाते समय सिर्फ इतना भर चेक करना है कि वेरिएबल रजिस्टर को घुमा के ऐसा सेट कर लो कि अंधेरे में, डार्कनेस में LDR के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VCC/3 से ज्यादा आना चाहिए। जब ज्यादा आएगा दैट मींस अंधेरे में यहां पे 0 मिलेगा, और इनिशियली आउटपुट आपका क्या था, 0 था, तो 0 ही रहेगा, लेकिन जैसे ही रोशनी डालोगे तो ये 1 हो जाएगा, और तो आउटपुट भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब एक बार आउटपुट 1 हो गया, उसने रोशनी हटा ली, तो इसका रेजिस्टेंस फिर बढ़ गया,
फिर बढ़ गया तो फिर मान लो 3 वोल्ट हो गया। अब फिर से अगर 3 वोल्ट हो भी जाएगा तो यहाँ फिर 0 मिलेगा, तो 0 0 का मतलब है होल्ड कंडीशन। होल्ड कंडीशन मीन्स जो प्रीवियस है वही बनी रहेगी, मतलब आउटपुट हमारा हाई ही बना रहेगा जब तक कि हम खुद आके रीसेट ना करें। यही कॉन्सेप्ट हमारे काम आने वाला है। तो अब देखिए 2 नंबर पिन पे ट्रिगरिंग हमें कनेक्ट कर देना है। कैसे देखिए, यहां पे देखिएगा ये हाई सप्लाई है और ये 1 नंबर पिन जो है वो ग्राउंड से कनेक्ट है। तो यहां पे लगा दिया एक पॉट पोटेंशियोमीटर या वेरिएबल रेजिस्टेंस, और यहां पे लगा दिया एलडीआर जिसपे रोशनी डालना है। दोनों के बीच वाले टर्मिनल को ही हमें किससे कनेक्ट करना है, 2 नंबर पिन से कनेक्ट करना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि जब तक ये अंधेरे में रहेगा तो इस जो आपका LDR है उसका रेजिस्टेंस हाई रहेगा। जब LDR का रेजिस्टेंस हाई रहेगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज हाई रहेगा, तो 2 नंबर पिन पे हाई वोल्टेज मिलेगा। दैट मींस 2 वोल्ट से ज्यादा हमें चेक करना पड़ेगा पॉट को। आप इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को मूव, उसके ट्यूनर को घुमाइए। कब तक घुमाइए, जब तक कि आप मल्टीमीटर से चेक ना कर लो कि उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो अंधेरे में इस 2 वोल्ट से यानी कि VCC/3 से ज्यादा ना आ जाए। और जैसे ही उजाला डलेगा तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कम, मतलब 2 नंबर पिन पे आपको लो वोल्टेज मिल जाएगा, दैट मींस ट्रिगरिंग मिल जाएगी। आपको 7 नंबर और 5 नंबर पिन को खाली छोड़ देना है, इनका अभी यूज नहीं है हमारे इस प्रोजेक्ट में। बाकी रही बात 4 नंबर पिन की, 4 नंबर का काम क्या है कि अब मान लो ये आउटपुट बंद हो चुका है, अब रोशनी हट भी गई और फिर भी ये क्या हो रहा है, आउटपुट बंद ही है। आगे हम इसका यूज करेंगे इस सप्लाई का, तो हम चाहते हैं कि उसे फिर से 0 कर दें, तो रीसेट पिन का याद रखें, कभी भी जहां सर्किटरी लगी हुई है जहां से हम चोरी होना बचाना चाहते हैं वहां पे रीसेट स्विच कभी ना लगाएं, क्योंकि नहीं तो चोर ही उसे रीसेट कर देगा तो अलार्म आपका पूरा ऑफ हो जाएगा। तो रीसेट पिन वहां लगाएं जहां पे ऑलरेडी कोई मैनुअली कोई व्यक्ति बैठा हुआ है जो चेक कर सकता है, जो चोर को पकड़ सकता है। तो रीसेट पिन वहां लगा रहे जिससे जब आवाज आए तो वो आके इसे पकड़ ले, फिर जाके रीसेट करे, जिससे कंटिन्यूअसली बजता ना रहे हमारा बजर। तो रीसेट पिन जो, रीसेट स्विच जो रहेगा वो इस सर्किटरी के पास में नहीं रखा होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है, हमें रीसेट पिन कनेक्ट करना है। तो रीसेट पिन कनेक्ट करना बहुत आसान होता है, मेन सप्लाई से एक रजिस्टर लेके आइए, कोई भी एक रजिस्टर। लेट आपने 1K का एक रजिस्टर लगा दिया और उसको 4 नंबर पिन से कनेक्ट कर दिया। 4 नंबर पिन से उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया मींस हाई सप्लाई उसको मिल रही है। 1 किलो का जो रजिस्टर लाओ आप वो 0.25 वॉट का लेके आना, उसमें वोल्टेज रेटिंग भी पूछी जाती है रजिस्टर में। तो आपने 4 नंबर पिन से कनेक्ट कर दिया, और साथ ही साथ एक और चीज यहां पे याद रखना है कि ग्राउंड और इस 4 नंबर पिन के बीच में एक स्विच लगा दो। स्विच कौन सा, पुश पुल स्विच या ऑन ऑफ स्विच, मतलब कौन, सॉरी पुश पुल की, जिसको जब तक प्रेस करके रखोगे तब तक ही वो कनेक्ट रहेगा, छोड़ दोगे तो कनेक्शन छूट जाएगा। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो ये 4 नंबर पिन डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगी। डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगी मतलब 4 नंबर को लो सप्लाई मिलेगी, 4 नंबर को लो सप्लाई तो ये ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा, तो डायरेक्टली क्यू बार पे हाई मिलेगा, तो क्यू ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्ट होते हैं। और जैसे ही हम छोड़ेंगे तो छोड़ने के बाद फिर से इसे क्या मिलने लगेगी, हाई सप्लाई, मतलब 4 नंबर पिन फिर इनएक्टिव हो जाएगी। इनएक्टिव तो हो जाएगी लेकिन आउटपुट तो अब जो हो चुका, आउटपुट अगर 0 हो जाएगा, रीसेट हुआ मतलब 0, तो वो 0 है तो 0 ही रहेगा, क्योंकि R और S क्या है, 0, R और S 0, 0 का मतलब है होल्ड कंडीशन, मतलब जो एक बार आ गया वही का वही रहेगा जब तक कि ये S की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो इतना काम हमें कर लेना है। अब हम बात करते हैं 3 नंबर पिन से जो हमने आउटपुट लिया है उसका करना क्या है। देखिए इस 3 नंबर के पिन को रिले में कनेक्ट करेंगे। अब रिले का हम एक्चुअल सर्किट बना रहे हैं, जो आप लोग बनाते हो वैसा नहीं, जो रिले में एक्चुअल में रहता है वो बनाने जा रहे हैं। रिले में होता क्या है, 3 टर्मिनल यहां होते हैं जिनमें से इन 2 पे सप्लाई दी जाती है। तो देखिए 3 नंबर पिन से जो आउटपुट मिला वो रिले के पॉजिटिव टर्मिनल पे दे दिया, और ग्राउंड वाला टर्मिनल जो हमने रिले के दूसरे टर्मिनल पे दे दिया। तो ये दोनों टर्मिनल आपके कनेक्ट हो गए। अब हमें पता है कि इन दोनों टर्मिनल में से क्या होता है, एक टर्मिनल तो ये होता है जो नॉर्मली ऑन की कंडीशन में रहता है, और दूसरा टर्मिनल ये होता है जो नॉर्मली किस कंडीशन में रहता है, ऑफ की कंडीशन में रहता है। नॉर्मली ऑन और ऑफ का मतलब समझ लीजिए,
कि जब तक यहां सप्लाई नहीं मिलेगी, मतलब 3 नंबर पिन पे जब तक आउटपुट हाई नहीं आएगा, जब तक आउटपुट हाई नहीं आएगा मतलब आउटपुट लो है अगर, तो ये डीसी सप्लाई नहीं मिल रही तो सिर्फ ये दोनों कनेक्ट होंगी। और जैसे ही यहां सप्लाई मिलेगी मींस 3 नंबर पिन हाई होगी, जब 3 नंबर पिन हाई होगी इसे सप्लाई मिलेगी तो तुरंत ये वाला कनेक्शन यहां से हट जाएगा और किस पे कनेक्ट हो जाएगा, इस पे कनेक्ट हो जाएगा, इस वाले पे कनेक्ट हो जाएगा और आपका यहां से कनेक्शन जो है वो हट जाएगा। ये एक्चुअल रिले में स्विचिंग कुछ इस टाइप की दिखाई देगी। तो आप जो बनाते हो डायग्राम वैसा डायग्राम हम नहीं बना रहा, जो एक्चुअल रिले में रहता है वो हमने बना दिया, वीडियो आप देख लीजिएगा। अगर आप लोग रिले का वीडियो देखेंगे या आपने देख लिया होगा तो आपको पता है रिले एक टाइप का स्विच की तरह काम करता है और उसमें इन दो टर्मिनल पे जब डीसी दिया जाता है तो इन टर्मिनल का यूज हम एज अ स्विच एसी सप्लाई के लिए कर सकते हैं। तो वहां आपको करना क्या है कि उस रूम में जहां पे वो हमारा कीमती सामान रखा हुआ है उस कमरे में मेन सप्लाई जहां से आ रही है उसमें दो वायर होंगे, एक वायर होगा न्यूट्रल वाला वायर और एक होगा मेन सप्लाई वाला वायर। न्यूट्रल वाला वायर हमारी जो भी एलईडीज हैं उन सभी एलईडीज में डायरेक्टली कनेक्ट कर दीजिए न्यूट्रल वाला वायर, जो भी हमारा वहां पे हूटर लगा हुआ है उसमें न्यूट्रल वाला वायर डायरेक्ट कनेक्ट कर दीजिए। हर एक कोई भी अगर हमारा जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल आइटम होता है इक्विपमेंट, जैसे कि फैन हुआ एलईडी हुआ, उसको ऑन करने के लिए चलाने के लिए दो चीजें दी जाती हैं उसे, एक तो मेन कनेक्शन और एक न्यूट्रल वाला कनेक्शन। तो न्यूट्रल जो बाहर से आ रहा है उसको डायरेक्ट न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिए। मेन के लिए आपको इस रिले का यूज करना है, हमने वीडियो में बताया हुआ है कि रिले एक टाइप का स्विच ही है जिसको हम एसी में भी यूज कर सकते हैं डीसी में भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिले एज अ स्विच ही हम यूज करेंगे। तो जो दूसरा टर्मिनल इनका रहेगा, इन सभी का जो दूसरा टर्मिनल रहेगा जहां पे हमें मेन सप्लाई देना चाहिए, वो डायरेक्ट मेन सप्लाई ना देके आप कहां से कनेक्ट कर दीजिए, इससे कनेक्ट कर दीजिए और इससे ये कनेक्ट कर दीजिए। मतलब मेन सप्लाई को कनेक्ट कर दिया इस टर्मिनल से और दूसरे टर्मिनल से जितने भी वहां पे हमारे इलेक्ट्रिकल आइटम लगे हुए हैं, जो कि जैसे कि एलईडी हुआ या हूटर हुआ बजर हुआ, उन सभी को दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। नॉर्मली होगा क्या, जब तक कि इस पे लाइट इंसिडेंट नहीं होगी, जब तक ये पूरा सर्किट अंधेरे में रखा होगा, तब तक क्या होगा इस एलडीआर के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो हाई रहेगा, क्योंकि ये एलडीआर का रेजिस्टेंस हाई है। तो हमने चेक किया था लगाते समय कि ऐसा रखना है कि पोटेंशियोमीटर को ऐसे वेरी करना है कि एलडीआर के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो वीसीसी बाई 3 से ज्यादा आए। जब यहां ज्यादा आएगा तो यहां आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगा, लो रहेगा, नॉर्मली सब कुछ ऑफ रहेगा। क्यों ऑफ रहेगा, क्योंकि 3 नंबर पिन पे लो वोल्टेज दैट मींस रिले को कोई सप्लाई नहीं मिल रही, तो रिले का नॉर्मली इससे कनेक्शन है और ये टर्मिनल तो आगे जाके ओपन है, इसे खाली छोड़ देना, इससे कोई कनेक्शन नहीं करना। तो हम देखेंगे जो भी हमारी एलईडीज हैं या हूटर है उन सभी को न्यूट्रल वायर तो मिल रहा है लेकिन मेन सप्लाई वाला वायर देखिए ओपन है, यहां पे आगे चल के क्या है ओपन है। लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति उस पर टॉर्च मारेगा उस सिक्योरिटी सिस्टम पे या थोड़ा भी उजाला करने की कोशिश करेगा तो एलडीआर पे उजाला होगा, एलडीआर पे रोशनी पड़ते ही एलडीआर का रेजिस्टेंस हो जाएगा कम और जैसे ही एलडीआर का रेजिस्टेंस कम होगा तो इस एलडीआर के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब एलडीआर का वोल्टेज कम होगा तो 2 नंबर पिन पे लो वोल्टेज मिलेगा, दैट मींस इस वीसीसी बाई 3 से कम वोल्टेज। जब कम वोल्टेज मिलेगा वीसीसी बाई 3 से तो नेगेटिव टर्मिनल पे वोल्टेज कम, पॉजिटिव टर्मिनल पे ज्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, दैट मींस 1। और एसआर फ्लिप फ्लॉप में जब आर 0 है एस 1 हो तो आउटपुट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, दैट मींस क्यू की जो क्यू की वैल्यू है 3 नंबर पिन है उस पे हाई वोल्टेज मिलेगा, तो इस 3 नंबर पिन पे हाई वोल्टेज। तो देखिए ये 3 नंबर पिन का जो हाई वोल्टेज है यही तो जा रहा है रिले में और दूसरा टर्मिनल जा रहा है ये नेगेटिव टर्मिनल जो जा रहा है वो ग्राउंड का जा रहा है, तो रिले को यहां पे सप्लाई मिल जाएगी और जैसे ही रिले को सप्लाई मिलती है तो ये स्विच यहां से निकल के किस पे कनेक्ट हो जाएगा, इस पे कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही इस पे कनेक्ट हुआ तो जितने भी यहां पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे हुए हैं उन सभी को न्यूट्रल तो मिल ही रहा था, मेन सप्लाई भी आपकी मेन सप्लाई का कनेक्शन भी मिल गया, तो ये सारी की सारी लाइट्स ऑन हो जाएंगी, हूटर बजता रहेगा और वो तब तक बजता रहेगा जब तक कि ये जो स्विच है 4 नंबर पिन का स्विच, इसको यहां पे नहीं रखना है नहीं तो चोर रिसेट कर देगा, ये स्विच वायर के थ्रू कहीं लंबा वायर ले जाइए आप
यहां से लंबा सा वायर निकालिए और कहीं बाहर जहां पे सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं वहां पे स्विच लगाइए। तो ये बजता रहेगा, सिक्योरिटी गार्ड समझ जाएंगे तो वो आके पहले चोर को पकड़ेंगे, देन जाके फिर उस स्विच को रीसेट करेंगे। तो जैसे ही स्विच थोड़ा भी प्रेस करेंगे तो इसे 4 नंबर पिन को लो सप्लाई मिलेगी, 4 नंबर पिन को लो सप्लाई तो ये ट्रांजिस्टर ऑन होगा, ट्रांजिस्टर ऑन होगा तो ये हाई सप्लाई सीधी सीधी किसको मिल जाएगी, क्यूबार को, क्यूबार पे हाई सप्लाई मिलेगी तो ये क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, तो आउटपुट 3 नंबर पिन हो जाएगी लो। और जैसे ही 3 नंबर पिन पे लो मिलेगा That means इस रिले को सप्लाई मिलना बंद हो जाएगी, क्योंकि इस पे भी लो और ये तो ऑलरेडी ग्राउंड है। इस रिले को सप्लाई जैसे मिलना बंद होगी तो तुरंत के तुरंत ये स्विच यहां से निकल के फिर से कहां आ जाएगा, यहां आ जाएगा, तो ये ओपन वायर है। तो ये सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है इन सबको न्यूट्रल तो मिल रहा है लेकिन मेन सप्लाई नहीं मिल रही है, तो ये क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे सारे के सारे। यहां पे रिले खरीदते समय आप ये जरूर ध्यान दें कि जो रिले हमने बोला था कि 5 वोल्ट और 5 एम्पियर, वो 5 वोल्ट तो आपको समझ में आ रहा होगा क्यों बोला हमने, क्योंकि आप 6 वोल्ट सप्लाई दे रहे हो तो 6 वोल्ट दोगे तो 5 वोल्ट का रिले ट्रिम कर जाएगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए 8 वोल्ट का रिले या 12 वोल्ट का रिले लेके आते हैं तो आप सप्लाई 6 वोल्ट दे रहे हो, उसे ऑन होने के लिए चाहिए 12 वोल्ट, तो वो कभी ऑन ही नहीं होगा। मतलब जितने वोल्ट का आप रिले लाए तो उससे ज्यादा सप्लाई रखें, पहली चीज। दूसरी चीज ये ध्यान रखना है कि उस कमरे में जितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे हुए हैं उन सभी को रन करने के लिए वो सभी अगर एक साथ चालू हो जाते हैं तो टोटल करंट आप जरूर मेजर कर लीजिए कि उसमें टोटल करंट वायर में कितनी फ्लो करती है। मान लीजिए टोटल करंट फ्लो करती है 6 एम्पियर और आप रिले खरीद के लाए 5 एम्पियर, तो ये 6 एम्पियर करंट जब इस वायर के थ्रू जाएगी तो रिले आपकी खराब हो जाएगी। तो रिले की करंट रेटिंग जो है वो डिपेंड करती है कि जहां आप रिले एज अ स्विच लगाना चाहते हो, रिले क्या है, एक स्विच है, उस स्विच से कितने एम्पियर करंट फ्लो हो सकती है। तो वहां जितने इक्विपमेंट लगे हैं वो सभी एक साथ जब चालू होंगे, जितनी भी LEDs या लाइट्स लगी हुए हैं, जो होटल हुटर लगा हुआ है, वो सभी जब ऑन होंगे तो टोटल करंट कितने एम्पियर होगी वो आप एक बार मेजर कर लीजिएगा। उससे ज्यादा एम्पियर की करंट का रिले लाइए, जिससे कि मान लीजिए कि ये 3 एम्पियर ही रिक्वायर्ड है तो आपका 5 एम्पियर का रिले चल जाएगा, 3 एम्पियर जाएगी तो खराब नहीं होगा, 2 एम्पियर का मार्जिन रहेगा आपके पास। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ 10 एम्पियर हो जाता है तो आपको फिर 10 से ज्यादा का 12 एम्पियर या 15 एम्पियर का रिले लाना पड़ेगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका बहुत ही छोटा सा प्रोजेक्ट है, ऑटोमेटिक सिक्योरिटी सिस्टम, जो प्रैक्टिकली बिल्कुल वर्क करेगा। आप इसको बना के देखिए, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी पूरी पूरी हेल्प करेंगे। इस सर्किट को एक बार और हम बड़े से में बना के बता देते हैं बोर्ड पे, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो कभी। तो ये हमारा फाइनल सर्किट हुआ जिसमें एक बार और हम समझा देते हैं। यहाँ पे DC सप्लाई लगाना है, जिसका सर्किट हमने बोला है कि जो वीडियो की लिंक है वहां से देखिएगा, 6 वोल्ट आपको चाहिए पड़ेगा अगर आप 5 वोल्ट का रिले लाते हो। तो यहाँ पे रिले कितने का, 5 वोल्ट का अगर लाते हो, अगर आप 6 वोल्ट का रिले लाओगे तो यहाँ सप्लाई आपको बढ़ाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 4 नंबर पिन पे मेन सप्लाई से कनेक्शन है 1 किलो रजिस्टर के थ्रू, 0.25 वोल्ट का ले आना ये आप, और ग्राउंड से ये जो ग्राउंड है इससे डायरेक्टली स्विच लगा हुआ है, पुश पुल स्विच लगा है, जब प्रेस करोगे तो कनेक्शन यहां हो जाएगा, छोड़ोगे तो कनेक्शन सीधा हाई सप्लाई से होगा। 2 नंबर पिन पे ट्रिगरिंग देखिए कैसे दी है, यहाँ LDR है और ये वेरिएबल रजिस्टर है। यहाँ पे आपको जरूर ध्यान देना है कि कुछ इस तरीके से कनेक्शन करना है कि LDR जो वेरिएबल रजिस्टर है इसको आप रोटेट करते रहिए, कब तक, जब तक कि 2 नंबर पिन पे अंधेरे में जो वोल्टेज है वो VCC/3 से ज्यादा ना हो जाए। VCC/3 अगर 2 वोल्ट आ रहा है तो यहाँ पे वोल्टेज 3 वोल्ट 3.5 वोल्ट ऐसा होना चाहिए, और रोशनी पड़ने पे उसका जो वोल्टेज है 2 नंबर पिन पे इस LDR के थ्रू वो VCC/3 से कम हो जाना चाहिए। 1 नंबर पिन देखिए हमने ग्राउंड से कनेक्ट करके रखी है, जैसा कि आपको बताया था। 8 नंबर पिन हाई सप्लाई से कनेक्ट करके रखी है, 6 नंबर पिन को भी ग्राउंड करके रखा है जो उसमें बताया था। 3 नंबर पिन देखिए, अब ये रिले है, रिले का एक टर्नल है आपका नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट, दूसरा टर्नल 3 नंबर से कनेक्ट है, मतलब 3 नंबर पे जब हाई वोल्टेज आएगा तो रिले काम करेगा और लो वोल्टेज आएगा तो रिले काम नहीं, रिले मतलब ऑफ रहेगा। जब इस पे हाई वोल्टेज आएगा तो ये स्विच यहां कनेक्ट हो जाएगा, जब लो वोल्टेज रहेगा तो स्विच यहां, जब स्विच यहां है तो आप देखिएगा कि जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लगे हुए हैं इन सभी पे न्यूट्रल तो मिल रहा है, AC वाला जो भी है, और
दूसरा टर्मिनल जो मेन सप्लाई से कनेक्ट होना चाहिए वो यहां पे देखिए सप्लाई ब्रेक है, लेकिन जैसे ही 3 नंबर पिन पे हाई वोल्टेज मिलेगा तो ये स्विच यहां से ब्रेक होके यहां पहुंच जाएगा। तो जब यहां पहुंचेगा तो देखिए 240 वोल्ट की एसी सप्लाई मिल जाएगी। तो दूसरे टर्मिनल पे एसी सप्लाई मिल जाएगी, एक टर्मिनल पे न्यूट्रल। यहाँ पे कोई फिक्स नहीं रहता है, एसी में जो है वो हर एक साइकिल में पॉजिटिव नेगेटिव चेंज होता रहता है। तो वहां पे आपको ये ध्यान नहीं रखना कि एलईडी के कौन से टर्मिनल पे या हूटर के कौन से टर्मिनल पे, प्लस माइनस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। लेकिन न्यूट्रल और मेन वायर आप पहचान सकते हो, आप चाहो तो टेस्टर से चेक कर लीजिए, जिसमें लाइट जल रही हो वो आपका मेन वायर होगा, दूसरे पे जिसपे नहीं जलेगी वो आपका न्यूट्रल होगा। तो इस तरीके से ये सिक्योरिटी सिस्टम आपका काम करता रहेगा। तो हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक ही हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। अगर आपको लगता है हमारी वीडियोस नॉलेजेबल हैं तो इनको बाकी लोगों के साथ शेयर कीजिए, इससे बाकी लोग भी इससे फायदा उठा सकें। कभी रैंडम वीडियो मत देखिए, क्योंकि हर वीडियो में पुरानी वीडियो की लॉजिक रहते हैं। ऑर्डर वीडियो देखने के लिए सब्जेक्ट वाइज वीडियोज की प्लेस की लिंक हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी रहती है। टॉपिक वाइज वीडियोज की प्लेस की लिंक अगर आपको चाहिए तो गेट का यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।